मेरे पास एक करप्ट पेन ड्राइव है जिसको लैपटॉप के लगाने के बाद नो मीडिया दिखा रहा है। चलो आज उसको स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप का वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन बंद करवाना होगा। फिर गूगल में सर्च करेंगे चिप जीनियस नाम की साइट। पहले ही आने वाले लिंक पर क्लिक करके ओपन कर ले। उसमें सबसे नीचे लेटेस्ट रिलीज एप्लीकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड कर ले। और हाँ, वहाँ पे जिप फाइल का पासवर्ड कॉपी करना मत भूलिएगा। जिप फाइल को पासवर्ड डाल के अनजिप कर ले। फोल्डर में ऐसी फाइल्स दिखेगी। इस फाइल पे डबल क्लिक करके रन कर ले। यहाँ पे आपको यूएसबी का वेंडर का नाम मिलेगा, उसे कॉपी कर ले। कॉपी किया गया नाम यहाँ डाल के सर्च करें। फिर पहले ही लिंक पे क्लिक करें। फिर ये सामने आ गई लिंक पे क्लिक कर ले। यहाँ भी फिर से आपको लेटेस्ट लिंक पे जाके क्लिक करना है और एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है। उस जिप फाइल को फिर से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर इस आई हुई आइकॉन पे हम डबल क्लिक करके रन कर लेंगे। ऐसी एक छोटी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आप स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे और हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मे बी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसमें पूरा लो लेवल फॉर्मेटिंग एंड ऑल प्रोसेस होता है। इस मैसेज के साथ आपका पेन ड्राइव रेडी टू यूज हो गया है, आप देख सकते हो। और डिस्क मैनेजर में अब नो मीडिया की जगह उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है।